हे गाइस, वेलकम बैक टू कॉटन। कैसे हो आप सब? सो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है एक मेकअप ट्रांसफॉर्मेशन। सो ये है साइज स्टाइल, हम सबको पता है, ठीक है। सो मैं इन्हें फॉलो करती हूँ और इनका ये वाला मेकअप लुक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये है पिकॉक स्मर्जी लुक, पिकॉक स्मोकी आई लुक इन्होंने क्रिएट किया था, तो मैंने इसे रिक्रिएट करने की कोशिश की है। सो अगर आपको ये लुक पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड साथ ही बेल आइकन को भी हिट करना ताकि आपको मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड गाइस, जो भी प्रोडक्ट मैं यूज़ करूँगी वो मैंने यू नो पर्पल से बाय किए हैं। पर्पल पे सेल ऑलमोस्ट चलती रहती है, आई थिंक अभी भी चल रही है, सो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सो कुछ इस टाइप का जो मेकअप लुक है मैंने यू नो क्रिएट किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करना एंड लिंक आपको सभी प्रोडक्ट्स के नीचे मिल जाएंगे। जो भी मैंने यूज़ किए हैं वो मैंने पर्पल से लिए हैं एंड पर्पल का लिंक प्लस प्रोडक्ट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड कमेंट सेक्शन में बताना कि ये लुक कितनी मैच हुई है, अगर 10 में से आप मुझे कितने मार्क्स दोगे इस लुक को, ठीक है। सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स की ये सैफ्रन डे क्रीम है। सो हल्का सा मॉइस्चराइज़र हमें यू नो लगाना होता है, नहीं तो हमारा जो बेस है वो अच्छे से सेट नहीं होता, ठीक है। अगर हम इसके ऊपर फाउंडेशन या फिर जो भी बीबी क्रीम अप्लाई करते हैं वो थोड़ी सी केकी लगती है, ठीक है। सो अच्छे से हम अपने फेस को मॉइस्चराइज़र से अच्छे से यू नो ब्लेंड करेंगे, अपने फेस पर लगाएंगे आप। और इस डे क्रीम का रिव्यू भी मैं जल्दी अपने चैनल पे अपलोड करूंगी, सो अगर आपको देखना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, ठीक है। सो उसके बाद गाइज हम यूज़ करेंगे यहाँ पर प्राइमर। अगर आपको यू नो प्राइमर स्किप करना है तो आप कर भी सकते हो, बट मैं यहाँ पे प्राइमर यू नो मैं लगाती हूँ क्योंकि इसके साथ ओपन पोर्स की जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होती है, ठीक है। सो कई बार फाउंडेशन या फिर बेबी क्रीम हमारी स्किन में चली जाती है तो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। सो कई बार स्किन केयर अच्छे से ना होने के कारण पोर्स हो जाते हैं, ठीक है। सो प्राइमर से हम अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर लेंगे। उसके बाद गाइज मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये शुगर का इल्यूमिनेटिंग मॉइस्चराइज़र। गाइज इसका फुल वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, अगर आपने नहीं देखा सो आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको मैं ऊपर डालूंगी आई बटन पे। बहुत ही सही वाला ये मॉइस्चराइज़र प्लस इल्यूमिनेटिंग मॉइस्चराइज़र है। सो इसमें आपको जैसे हमारा लिक्विड हाइलाइटर हम बोल देते हैं सो वैसा है, एक तो आपको ये मॉइस्चराइज़र प्रोवाइड करेगा, ठीक है। उसके साथ आपको हल्का सा ये आपके फेस पर ग्लो लेके आएगा, ठीक है। सो गाइज उसके बाद मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ स्टे कोके की फाउंडेशन। सो वैसे तो मैं अपनी हर एक वीडियो मैं बीबी क्रीम ही यूज़ करती हूँ, सो यहाँ पे मैंने स्टे कोके की ये फाउंडेशन यूज़ की है, ठीक है। 2 से 3 बार ही अभी मैंने इसे यूज़ किया है, ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, तो अभी इसका रिव्यू इतना ज़्यादा मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि मैं ज़्यादा फाउंडेशन पर्सन नहीं हूँ, तो डेली के लिए भी मैं बीबी क्रीम ही यूज़ करती हूँ। एंड अगर कोई मेकअप वीडियो भी आपके साथ शेयर करना हो तो मैं बीबी क्रीम से ही आपके साथ वो शेयर करती हूँ, ठीक है। सो वैसे तो ये देख सकते हैं आप, मैंने हल्की सी ही लगाई थी एंड ईजी से ब्लेंड हो रही थी, सो अभी तक तो मुझे अच्छी लगी है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने 3 बार इसे यूज़ किया है, सो जब मैं इसे ज़्यादा यूज़ करूँगी तो आपके साथ इसका रिव्यू पक्का शेयर करूँगी, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है, फाउंडेशन लगाना अच्छा लगता है, तो आप पर्पल से बाय कर सकते हैं, लिंक आपको मैंने नीचे डाल रखा है, सो वहाँ से चेकआउट कर लेना। सो गाइज उसके बाद हम लगाएंगे कंसीलर, तो मैं अपने पूरे फेस पे ये देखिए यहाँ हमें कंसीलर की नीड होती है, वहाँ पे मैं कंसीलर को अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। एंड ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर है, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। एंड जिनका आज मैं मेकअप यू नो ट्रांसफॉर्मेशन कर रही हूँ सो इन्होंने ये रेकमेंड किया है, सो ये है स्विस ब्यूटी का बहुत ही सही वाला कंसीलर है। अगर आप बिगिनर हो तो आपको डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, इजी से ब्लेंड हो जाता है। एंड गाइज उसके बाद हम अपने फेस को सेट करेंगे पाउडर से, ठीक है। सो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ पर्पल का कॉम्पैक्ट, सो ये भी मैंने अगेन पर्पल से लिया है एंड पर्पल का ही कॉम्पैक्ट है। एंड गाइज जो मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ वो है अमेज़ॉन से, सो ब्रश का जो वीडियो है वो मेरे चैनल पे है, अगर आपने नहीं देखा तो आप चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइज बेस हमारा जो कम्प्लीट है, सो अभी मैं यहाँ पर ये स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, ताकि जो हमारा बेस है अच्छे से लॉक हो जाए। सो यहाँ मैं मिरर के साथ ही थोड़ी सी हवा दे रही हूँ, ठीक है, बिकॉज मेरे हाथ में कुछ आया नहीं तो मैंने मिरर के साथ ही ऐसे कर लिया। सो गाइज अब हम करेंगे हमारा आई मेकअप। सो आई मेकअप के लिए गाइज यहाँ पे शाइमा दी ने बहुत सारे जो ब्लू शेड थे, बहुत सारे ब्लू शेड इन्होंने लगाए थे, ठीक है, मेरे पास इतने ज़्यादा नहीं थे, तो मैं यहाँ पर जस्ट पहले जो स्काई से हल्का सा डार्क वाला ब्लू होता है वो ले रही हूँ, ठीक है। सो ये वाली जो मेरी पैलेट है ये मैंने इंस्टाग्राम से मंगाई थी, बहुत ही सही है, पिगमेंटेशन वगैरह अच्छी है इसकी।
सो गाइज़ मैं यहाँ पे क्रीज़ पे एंड आउटर वी पे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे ब्लेंडिंग ब्रश मैंने नहीं यूज़ किया है, यहाँ पे मैं फेटर जो ब्रश होता है, ठीक है, जिससे हम अपना आई शेडो अप्लाई करते हैं, ठीक है, कई बार। सो फ्लैट ब्रश जो होता है उसकी हेल्प से क्रीज़ पे एंड आउटर वी पे अच्छे से मैं ब्लू कलर को लगा रही हूँ। इसके बाद मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश लूँगी, उसके साथ हल्का हल्का सा हम ब्लेंड करेंगे, ठीक है। सो ये देखिए गाइज, मैंने दोनों आइज़ पे अप्लाई कर लिया है और अभी मैं ये ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से हल्का सा अपनी जो क्रीज़ होती है उसे हल्की सी ब्लेंड कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये स्मोकी आई है तो हल्का सा यहाँ पे हमें जो ब्लू शेड है उसे हल्का सा ब्लेंड करना होता है। सो गाइस यहाँ पे मैं अगेन फ्लैट ब्रश ले रही हूँ, ठीक है। सो ये देखिए यहाँ पे मैं पर्पल एंड ब्लू कलर दोनों को मिक्स करके लूँगी, क्योंकि यहाँ पे जो दी ने कलर यूज़ किया था वो ऐसा था जिसमें कि पर्पल एंड ब्लू दोनों का शेड आ रहा था, बट मेरे पास ऐसा कलर नहीं था। तो मैंने एक पर्पल फर्स्ट टाइम मैंने पर्पल कलर को अप्लाई किया। ये देखिए अभी मैं पर्पल शेड को अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। सो इसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी मैं फिंगर की हेल्प के साथ ब्लू कलर को ब्लेंड करूँगी। यहाँ पे मैंने पर्पल अप्लाई किया है, उसके ऊपर मैं ब्लू कलर को हल्का हल्का सा ब्लेंड कर दूँगी। अभी मैं दोनों आइज़ पे आपको लगा कर दिखा रही हूँ, ठीक है। सो आउटर वी पे पहले हमने ब्लू कलर अप्लाई किया, उसके बाद हम पर्पल कलर अप्लाई कर रहे हैं। सो अभी हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे जो ब्लू सा जैसे पिकॉक के ये देखिए अभी ये एक ये वाला ब्लू है कि ये वाला ब्लू है, ठीक है। दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लू है, एक ब्लू में हल्का सा पर्पल टोन आता है, ठीक है। सो उसे मैं पर्पल कलर के ऊपर अप्लाई करूँगी। सो ये जो मैं अप्लाई कर रही हूँ इसमें हल्का सा पर्पल कलर का टोन है, सो इसे ब्लू कलर को मैं पर्पल कलर के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। एंड ये वाला जो मैंने स्मॉल फिंगर पे ऊपर लगाया है कलर, ठीक है, ये ब्लू वाला जो हमारा नॉर्मल वाला ब्लू होता है वो वाला कलर लगा रही हूँ, ठीक है। सो कुछ इस टाइप का जो हमारा आउटर वी है वो बनकर रेडी होता है। सो दोनों आइज़ पे मैं आपको लगा कर दिखा रही हूँ। अभी आपको इतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा जब हम इसके ऊपर जो हमारा ग्रीन सा कलर होता है सी ग्रीन सा वो अप्लाई कर लेंगे तो ये अपने आप शेड में आ जाते हैं। तो इनकी शेडिंग का जो प्रोसेस है वो दिखता है, ठीक है, कि अभी ये देखिए अभी मैं सी ग्रीन कलर अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। सो जो हमारा आइज़ का स्टार्टिंग ये देखिए स्टार्टिंग जो पार्ट होता है, ठीक है, इनर पार्ट होता है, सो यहाँ से लेके मैं हल्का सा यहाँ जब तक जहाँ तक हमने ब्लू कलर अप्लाई किया है वहाँ तक इस कलर को अप्लाई कर रही हूँ। ये देखिए अभी आपको शेडिंग दिख रही होगी, ठीक है, हल्की सी ग्रीन, हल्की सी ब्लू एंड जो थोड़ा सा पर्पल सा टोन, ठीक है, जैसे मोर के पंख में होता है, ये तीनों कलर मिक्स होते हैं उसके पंख में। सो कुछ इस टाइप का जो हमारा लुक है वो बनकर रेडी होता है। सो मेक श्योर आपको ये लुक पसंद आएगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। एंड ये जो लुक है बहुत ही प्रिटी बनकर रेडी हुआ था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप कोई भी ब्लू कलर की या फिर हल्की सी ग्रीन कलर की जो भी आप ड्रेस पहन रहे हो उसके साथ ये वाला मेकअप लुक बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत ही प्रिटी लग रहा था ये वाला मेकअप लुक। एंड अभी ये देखिए मैंने दोनों आइज़ पे अच्छे से सभी कलर को लगा लिया है एंड ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। सो अभी हम करेंगे लोअर लैश, ठीक है। सो जैसे मैंने पहले जो ब्लू वाला था स्काई से हल्का सा डार्क वाला ब्लू उसे लोअर लैश पे ब्लेंड कर रही हूँ, ठीक है। सो जैसे हमारा आउटर वी पे जैसे हमने बनाया है शेड वैसे ही हमने अपने लोअर लैश पे भी बनाने हैं, ठीक है। सो उसके साथ ही हमारी ये स्मोकी आई जो होगी बनकर रेडी होगी, ठीक है। सो मेरे पास इतने ज़्यादा ब्लू नहीं थे तो मैंने कलर को मिक्स कर करके ऐसा बना लिया, ठीक है। सो इसके साथ जो लुक बनकर रेडी हुई थी बहुत ही प्रिटी बनकर रेडी हुई थी एंड मेक श्योर आपको पसंद भी आएगी। एंड बताना जरूर कि आपको कमेंट सेक्शन में ये कैसी लगी। सो गाइज उसके बाद मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये देखिए ये वाला जो शेड है ये बिल्कुल जैसे हमारा हाइलाइटर होता है वैसे ये हल्का सा हाइलाइटर वाला शेड है, ठीक है, वाइट ऑफ वाइट सा शेड है ये, इसमें हल्के हल्के से शिमर पार्टिकल्स हैं। सो यहाँ पे मैं इन्हें जो आइज़ का स्टार्टिंग हमारा इनर पार्ट होता है वहाँ पे इसे लोअर लैश पे हल्का सा ब्लेंड कर रही हूँ, ठीक है। सो गाइस कुछ इस टाइप की हमारी जो लुक है आई की बनकर रेडी होती है। अभी हम अपने आईज़ को आई लैश को कर्ल करेंगे एंड फॉल्स लैसेस अप्लाई करेंगे बिकॉज उसके बिना हमें पता है कि जो हमारा आइज़ का मेकअप होता है या फिर
आइज़ के जो वॉल्यूम होता है ठीक है वो नहीं आता है विदाउट फॉल्स लैशेस। तो यहाँ पे मैं अच्छे से आइज़ को कर्ल कर रही हूँ और इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी ये हाइपर कर्ल का मस्कारा। सो अगर आप मुझे कंटिन्यूसली देखते हो तो आपको पता है कि मैं इसे यूज़ करती हूँ, बहुत ही सही वाला मस्कारा है ठीक है। अगर आप बिगनर हो या फिर वैसे ही आपको कोई यू नो बेस्ट मस्कारा चाहिए, मैंने तो अभी तक यही यूज़ किया है और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, अच्छे से आपकी आइज़ को लेफ्ट कर देता है। सो गाइज उसके बाद दी ने यूज़ किया था कुछ सी ग्रीन टाइप का आईलाइनर ठीक है, पेन आईलाइनर उन्होंने यूज़ किया था बट मेरे पास वो नहीं था तो मैं यहाँ पे ये स्विस ब्यूटी का यूज़ कर रही हूँ। सी ग्रीन कलर का आईलाइनर है, अभी तो ये इस यू नो के ऊपर दिख भी नहीं रहा था बट उन्होंने लगाया था तो लगाना तो था ठीक है। सो ये वाला शेड जो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, मेरे पर्पल हॉल में मैंने आपको तीनों ये शेड दिखाए हैं, अगर आपने मेरा पर्पल हॉल नहीं देखा तो प्लीज़ आप जाकर चेकआउट करें, मेरे पर्पल हॉल में आपको तीनों शेड ये देखने को मिल जाएंगे ठीक है। एक मैंने ब्लैक लिया था, एक ब्लू था और एक ये सी ग्रीन टाइप है। सो ये आईलाइनर अगर आप सिंपली भी अपनी आइज़ पे यू नो जैसे हम ब्लैक कलर अप्लाई करते हैं ठीक है, सो अगर आप ज़्यादा मेकअप करना अच्छा नहीं लगता है आपको तो आप सिंपली इस टाइप के इसमें ना ग्लिटर वाला, ये ग्लिटर वाला आईलाइनर है, इसमें हल्के हल्के से शिमर पार्टिकल्स हैं, तो अगर आपको ज़्यादा मेकअप करना नहीं पसंद है तो आप सिंपली इसे एज अ आईलाइनर, वैसे तो ये आईलाइनर है ही तो आप सिंपली इसे आईलाइनर की तरह लगा लो ठीक है। ब्लैक की ये देखिए कुछ इस टाइप का ये शेड है। सो गाइज उसके बाद यहाँ पे जो लिपस्टिक थी उन्होंने लगाई थी थोड़ी सी ऑरेंज, थोड़ी सी ब्राउन ऑरेंज मिक्स सा कलर था बट वो नहीं थी मेरे पास, तो एक आधा कलर तो तल जाता है ठीक है। सो लिपस्टिक मेरे पास नहीं थी तो यहाँ पे मैंने पिंक कलर को चूज़ कर लिया और पिंक के साथ भी इसका लुक बहुत ही प्रीटी आया था। सो यहाँ पे फर्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ये लिप लाइनर, सो ये है वेट एंड वाइट का लिप लाइनर। सो अगेन मैंने ये पर्पल से बाय किया है ठीक है। सो ये जो लिपस्टिक है ये मैंने लोकल मार्केट से ली थी, बिल्कुल हल्का सा पिंक सा कलर है, बिल्कुल जैसे यू नो टीनेज होते हैं उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है ये, अगर आपको लिपस्टिक लगाना पसंद है तो आपको पता होगा ये पिंक सा कलर ऑलमोस्ट सभी गर्ल्स के पास होता है ठीक है। सो कुछ इस टाइप की गाइज हमारी जो फाइनल लुक है बनकर रेडी होती है एंड फॉल्स लैसेस मैंने अप्लाई कर ली, लिपस्टिक हो गया एंड ब्लश एंड हाइलाइटर मैंने ऑफ कैमरा अप्लाई कर ली थी ठीक है। ब्लश एंड हाइलाइटर गाइज मेरे ब्लश था स्टेकवर्की का एंड हाइलाइटर था वेट एंड वाइट का। सो गाइज कुछ इस टाइप की हमारी जो फाइनल लुक है बनकर रेडी होती है। सो कैसी लगी आपको ये वाली मेकअप लुक प्लीज़ जरूर बताना कमेंट सेक्शन में ठीक है, एंड अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर करना एंड मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज मैं अपने चैनल पे लेके आती हूँ ऐसी अफोर्डेबल प्राइस में जो मेकअप लुक्स होती हैं, कई बार ऐसे इंस्पायर्ड मेकअप लुक करती हूँ, कई बार अपनी बना के कर लेती हूँ ठीक है। सो मुझे ये लुक करने में बहुत मज़ा आया एंड बहुत ही प्रिटी लग रही थी ये वाली मेकअप लुक एंड सच में बहुत ही अच्छी सी लुक बनकर इसके साथ रेडी हुई थी। सो लिपस्टिक आप कोई भी लगा सकते हैं, जैसे ही दीने लगाई है वैसे ही आप लगा सकते हैं ठीक है, अगर आपको पिंक लगाना पसंद है तो आप पिंक भी लगा सकते हैं बट ये दोनों के साथ बहुत ही प्रिटी लगती है। एंड थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग माई वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना शेयर करना एंड अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं अपनी छोटी मोटी रील्स डालती रहती हूँ। एंड थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग माई वीडियो, बाय गाइज। इंस्टाग्राम का लिंक प्लस प्रोडक्ट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं ठीक है। एंड थैंक यू सो मच गाइज, बाय गाइज़।